अभी इसका आधा टैंक तो कंप्लीट होने वाला है, बाकी इसकी वजह से लेयर निकालूंगा, देखूंगा कैसा लग रहा है। तो ये हमारे पैनल चालू हो गए, साइड का टैंक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और एक हमारी आई है ये हार्ले डिविजन 440, जिस पर हम मैट लैमिनेशन कर रहे हैं, बाकी पूरा होगा दिखाते हैं। दोनों बक्से होंगे, फ्रंट में गार्ड होगा उसका, बाकी दिखाएंगे कैसे लुक आ रही है। बाकी एक्टिव हमारी चली रही है आपस। तो ये हाले का हमारा टैंक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बाकी हम लोगों बाज में काटते हैं कि लोगों के पानी होता है, पानी सूखे नहीं। अभी होल बैठाएंगे तो जितना बैठेगा, बाकी पूरी होगी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो अपनी ये GT कॉन्टिनेंटल कंप्लीट हो गई है भैया की, आप देखो फिनिशिंग कैसे आ रही है। इस पर ब्लैक स्मोक लगाया हमने, फिनिशिंग दो कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए आप टैंक देखो, ये पूरा ही लोगों हमने पूरा बैठा दिया है। आप टैंक की फिनिशिंग दो कितना लग भी रहे, मैट लाइन से हुआ है। अभी कटिंग होगी इधर की, उधर की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए इधर ही कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा पैनल का पीस भी कंप्लीट हो गया, तो पता भी लगे इस पर लैम्पशेड हो चुका है। तो ये हाल लेकर आप देखो हमारा ये दो पीस, पता भी लग रहा किसी एंगल से कि इस पर लैम्पशेड हुआ ही नहीं हुआ, किसी एंगल से पता नहीं लग रहा, बाकी ये लोगों से पता लगे जो ये है। और ये हमारे दूसरी साइड का स्टार्ट हो गया, ठीक है टैंक ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, बाकी मलगाड़ रहेगा, मलगाड़ करके दिखाएंगे। ये हाल हमारी कंप्लीट हो गई और उस पर लगा हिंदू का स्टिकर, ये देखिए, ये देखिए कैसे चमक रहा है ड्राइवर रिफ्लेक्टर वाला। बाकी ये मलगाड़ हो गया भैया का, टैंक हो गया, लोगो भी कटेंगे और इसके इंडिकेटर भी हुआ स्मोक, और ये हैंडल पे हुआ मैट ब्लैक, बाकी पूरी बाइक ऑलमोस्ट कम्प्लीट है भैया की। लोगो हम बाद में काटेंगे, अभी नहीं काटेंगे इसको। तो फाइनली कंप्लीट होगी भैया की हाल ही में 440।